सुबह जैसे ही हम उठे, आज चमचमाती हुई बारिश, झिलमिल बारिश हो रही थी। हम पहुंचे मेट्रो स्टेशन और हमने पकड़ने की कोशिश करी मेट्रो। चमचमाती हुई बारिश, सुहावना मौसम हमें ले डूबा कि हम आगे बढ़ें और अपनी मेट्रो की तरफ बढ़ें। पर मेट्रो स्टेशन से जो नज़ारा था वो मैं कैप्चर करना नहीं भूला, और इतना सुहाना मौसम था। उसके बाद हमने पकड़ी मेट्रो और एक ऐसी जगह हमने सफ़र पे जाने की कोशिश करी जहाँ आपको इतना हेल्दी, इतना प्रोटीन फुल एग मिल सकता है। और वो सफ़र हमने तय करने की कोशिश करी, इतने में हमारी आ गई मेट्रो जो हमने करी बोर्ड, और हम पहुँचने वाले हैं पुरानी दिल्ली। जैसे ही हम पहुँचे पुरानी दिल्ली के मेट्रो स्टेशन चावड़ी बाज़ार, हम उतर के गए एक ऐसी जगह पे जहाँ पे स्वाद भी हो और वैरायटी भी हो। तो हम पहुँचे चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन और हम पहुँचे सिकंदर आमलेट्स वाले के पास, जहाँ पे 45+ आमलेट्स की लिस्ट तो सामने लिखी हुई है और उससे ज़्यादा आमलेट्स वो बनाते हैं। तो सिकंदर आमलेट्स एक ऐसी जगह है जहाँ आप अगर आमलेट खाओगे तो बार बार जाना पसंद करोगे। ऐसे आमलेट्स जो मैंने कभी नहीं खाए थे, इतनी वैरायटी, इतना सब कुछ, और उनका स्टाफ और सिकंदर जी लगे रहते हैं अपने स्टाफ के साथ। तो कैसे भी आप? बहुत बढ़िया। अच्छा, तो आज हमारे को क्या खिलाने वाले हैं? देखिएगा, वेरी स्पेशल चीज़ें हैं मेरे पास, अलग से अलग पानी वाली और वो काले पानी की। मैंने बहुत सी आइटमें खिलाई हैं, और लेज ऑमलेट, पापड़ ऑमलेट, बहुत सी वैरायटियों के साथ मैं चलता हूँ। अच्छा। आज मैं आपको नई चीज़ दिखा रहा हूँ, नया लॉन्च ग्रीन वेजिटेबल ऑमलेट्स आपके सामने, पूरे 8 आइटम है और इसकी कटिंग भी मैंने रेडी करके रखी है। मैं आपको दिखाता हूँ एक एक चीज़। इसमें सब चीज़ें हैं, मशरूम, तीनों वुड, तीनों में शिमला मिर्चें, नींबू, बहुत सी है आपके अंदर। एक और चीज़ ऑर्डर है और बाकी इसके अंदर चलेंगी 12 एक आइटम टोटल। और यह है ग्रीन वेजिटेबल ऑमलेट जो आपने पुरानी दिल्ली के अंदर आगे खानी है, और बड़ी प्यारा सा एक टेस्ट है। इसको बनाने की मेकिंग भी बड़ी अलग है, और इसकी खास बात यह है कि ये विदाउट योक का बनेगा। अच्छा, प्योर प्रोटीन से भरा हुआ वो वाला ऑमलेट है, वेरी स्पेशल ग्रीन वेजिटेबल ऑमलेट। ठीक है जी, बाकी इसके रेट जो रहेंगे वो 100 रुपये रहेंगे, ऐसी कुछ खास आइटमों के साथ। आज मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल खिला रहा हूँ आपको ग्रीन वेजिटेबल की मेकिंग की, और बड़ा अच्छा सा स्वाद, और वो भी विदाउट योग के साथ। आइएगा, ये मैंने अंडे ले लिए हैं पहले। मैंने 3 अंडे डाल लिए हैं, बहुत सारे प्याज, क्योंकि मैं थोड़ा सा यूं करके डालूंगा नहीं, मेरी आदत है उस स्वाद को बनाने के लिए मैं भरपूर प्याज डालूंगा, मिर्चे, ये अदरक, ये नमक, लाल मिर्च, और ये वही बाबूजी वाला मसाला जो 15 से 18 मसाले हम भून के बनाते हैं, और बिल्कुल प्रोटीन से भरा बनाना है तो ऑयली कम रहेगा, इसलिए मैं मक्खन भी आधा डालूंगा इस ऑमलेट के अंदर, और वेरी स्पेशल टेस्ट दूंगा आपको जिससे कि खाने में मजा आए। और बाकी चीजें एक एक करके जो मैंने 15 आइटम से 10 आइटम रखी हुई है, 5 तो मैं डाल चुका हूँ, 10 आइटम आपके आगे हैं, ये पूरी अच्छी तरह लगाऊंगा और आपको खिलाऊंगा यहाँ पर ग्रीन वेजिटेबल ऑमलेट। हल्की शिकायत पे भी सीखेगा, और फिर हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा सामान जो जो सारा आया हुआ है उस हिसाब से। सर पहले शिमला मिर्च जो तीनों है अलग अलग टेस्ट वाली ग्रीन वेजिटेबल के हिसाब से, फिर लाल वाली, ये मशरूम आप देख सकते हैं, बाकी योगली दाल,
ये मिक्स वाली और चने, क्योंकि प्रोटीन से भरा हुआ बने, इसलिए पहले पूरा खास ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ कमी है और कहाँ नहीं है और कौन, ठीक है जी। बाकी रह गए एक बार और मसाले, ये थोड़ा सा लेमन, देखिएगा इसके अंदर भी मेरे हिसाब से मसालों की कमी है और उस मसालों को डालना जरूरी है और स्वाद को बनाने के लिए। बाकी की मेकिंग की ओर चलते हैं। मैंने तंदूरी मिर्च लगाई है थोड़ी सी स्वाद के लिए। आप देख सकते हैं कि सारा वेजिटेबल अलग ही नजर आ रहा है और उस स्वाद को मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। बाकी इसकी होगी प्रेजेंटेशन, वो भी मैं आपको करता हूँ। पहले दो ब्रेड सेक लें, उसके बाद फिर आगे की प्रेजेंटेशन पे गौर करेंगे और स्वाद को दिखाएंगे जो पुराने दिल्ली के अंदर है। सिकंदर ऑमलेट, ये बाबूजी का ऐस, मैं अक्सर कोई चीज बनाता हूँ तो अपने बाबूजी का ऐस जरूर लगाता हूँ और उस स्वाद को जरूर बनाता हूँ उसी तरीके से। बाकी इटालियन स्वाद भी डालूंगा थोड़ा सा, ऑरिगेनो फ्लेक्स, ताकि चम्मच दे, ठीक है। वैसे अंकल इसको पिज्जा वाला भी ऑमलेट कह सकते हैं ना? नहीं, पिज्जा क्या कहेंगे यार, इसमें एक नई चीज मेरी जो पुरानी है वो है उत्पम बनती है। अच्छा। उत्पम ऑमलेट भी बड़ी वेरी स्पेशल आइटम है। मैं यहाँ पर 45 आइटम लेके खड़ा हूँ और स्वाद को बेच रहा हूँ पुरानी दिल्ली इलाके में। आपने यहाँ पर मेरा टाइमिंग रहेगा 4 बजे से लेके रात को 11:30 बजे तक। आपने आना है चावड़ी बाजार मेट्रो स्टेशन, अंदर रोड कटरा सीताराम बाजार, 20 से 25 दुकानें, आप अंदर की साइड आएंगे, छोटे भाई की दुकान है जो